यार मोहित, ये बात मैं तुझे कैसे बताऊं? तेरा बाप, भंड तेरी माँ, भंड तेरा पूरा खानदान। भंड अबे बीमार है, पाइल्स हुआ है उनको, भंड कह रहा है चूतिया। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक फिल्म के बारे में जिसका टाइटल है एक रात शैतान के साथ। लोगों के हिसाब से, भड़वों के हिसाब से ये मूवी बहुत डरावनी है। इस फिल्म के अंदर सबसे पॉपुलर एक्टर है मैक मोहन। यार ये इस फिल्म के पहले सीन में हीरो और हीरोइन पब्लिक प्लेस में चुम्मा चाटी कर रहे हैं और उनकी दोस्त अजीब पने को बस जैसे तैसे सह रही है। फिर थोड़ी देर में उनका एक दोस्त आ जाता है और ये लोग मिलके दोबारा चुम्मा चाटी करते हैं। पहले सीन से पता चल रहा है कितनी भयानक है ये मूवी। इस मूवी का विलन एक ठाकुर होता है जिसकी थूत इतनी बुरी है कि उसके आने वाली पहली पीढ़ी को तो लोग झेल लेंगे, लेकिन दूसरी चूतड़, कतई चूतड़। अब इस ठाकुर की एक खास बात है कि ये 24/7 हवस का भूखा रहता है। सुबह हवस, शाम को हवस, रात को हवस। और ये वाला डायलॉग तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। बिल्लो जी सरकार, गांव में किसकी लड़की जवान हुई है? गांव में किसकी बेटी जवान हुई है ये जान के तू क्या कर? ओह, अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गया। अब यही ठाकुर मूवी के 40 मिनट बाद पिशाच बन जाता है। अगर एक 6.5 साल के बच्चे ने इसकी शक्ल देख ली ना, तो वो अपने मुंह से दो बार हक देगा। अब आ जाते हैं हीरो और हीरोइन पे। ये तो तुम्हें याद ही होगा, हीरो और हीरोइन फिल्म में आगे चल के, थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे। अरे इन लोगों को दूसरा और कोई काम धंधा नहीं मिला इस मूवी में, हद है यार। दोस्त, हाँ इनके दोस्त जरूर इनसे कुछ बेहतर काम कर रहे होंगे। उठा ले रे। छोड़ो यार, सीधे क्लाइमेक्स पे आ जाते हैं। ज्यादातर सब लोग मर चुके होते हैं सिवाय हीरो हीरोइन, एक काला गीदड़ और ये दो लोग जिनका इस पूरी मूवी से कोई रिश्ता नहीं है। अब पता नहीं कहां से एक बाबा आ जाता है जो पहले ठाकुर को काला जादू सिखाता था और वो इन लोगों से वादा करता है कि वो शैतान को मारने में इनकी मदद करेगा। सब लोग शैतान से पिट रहे होते हैं और ये बाबा बस वहाँ खड़ा होता है। सब लोग शैतान को मार भी देते हैं तब भी बाबा बस वहाँ खड़ा रहता है, और जब सब लोग चले भी जाते हैं तब भी बाबा बस वहाँ खड़ा रहता है। दी एंड। एक साधारण डरावनी मूवी में कितने गाने होते हैं? एक, पिट पिटा के दो। इस मूवी में 5 गाने हैं और उन 5 गानों में से 4 गानों में चुम्मा चाटी और हवस भर रखी है। पहले गाने में तो ठाकुर बावला ही हो जाता है। ये लड़की को मारना चाहता है। तेरी गांड ले लूं। दुई महले का हमरा मकान। लिफ्ट लगा ले, अबे औरत है कि बिल्डिंग। देखो बॉलीवुड का अलग एक्शन होता है, हॉलीवुड का भी अलग एक्शन होता है, और साउथ में तो एक्शन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। खैर हम इस फिल्म के एक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले सीन में ठाकुर अपनी बीवी के अंदर थप्पड़ लगा रहा है। ये आखिरी वाला एक बार दोबारा देखना, और साली आवाज भी निकाल रही है। अब तो बेहोश भी हो गई, आए हाय हट गरीब। अब दूसरे सीन में भी वही चीज हो रही है, लेकिन इस बार हंटर का इस्तेमाल हो रहा है। और तू साली कुतिया, मेरे पीछे अपने यार के साथ रंगरलिया मना रही थी। अबे रो क्यों रही है, तेरे तो पैरों पे भी नहीं लग रहा है। ठाकुर भूल गया कि आखिरी बार कौन से गाल पे थप्पड़ मारा था, उसी गाल पे दोबारा चेप दिया। अब आ जाते हैं असली गुथाई वाले सीन पे जिसके अंदर ये लोग मिलके बेचारे मैक मोहन को पीटते हैं, इस बुड्ढे को। अरे यार, हीरो जवान, हीरोइन जवान, ये काला गीदड़ जवान, बाबा भी ठीक, साला बुड्ढा ही मिला था तुम्हें पीटने को, और कोई यो हल्का फुल्का नहीं पीटते ये लोग, बेचारे का सर फोड़ दिया सीधे। चल सर फोड़ा तो फोड़ा, फिर कला मुंडी खिलवा दी बेचारे से, और फिर ये देखो कहाँ टांग दिया। और खुशबू कहाँ है? अरे यार ऐसे टांग के कौन सवाल पूछता है। अब देखो कितने असली मुक्के मारेगा हीरो।
मत मारो मुझे। अरे रहन दे तू, बस चुम्मा चाटी कर, ये तेरे बस की नहीं है। बस करो यार, बस कर, उतार दे, नहीं देखा जा रहा। और हाँ बढ़िया। अरे यार वापस ले आया। इस फिल्म में कुछ इतने डरावने सीन है कि तुम लोग अपनी पैंट में मुद दोगे। सबसे पहले आ जाते हैं बग्गी वाले सीन पे। इस बग्गी में जब भी कोई बैठता है, घोड़े अपने आप उसे ठाकुर की कोठी पे पहुंचा देते हैं। और जैसे ही लोग इस बग्गी पे बैठते हैं ना, सबका एक ही रिएक्शन होता है। अरे ये तो, अरे ये अपने से चलने लगा। अरे 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 ये बग्गी अपने आप चलने लगी। रॉकेट पे बैठे हो तुम लोग, बिजली की गति से ट्रैवलिंग चल रही है। अरे उतर जाओ। लेकिन नहीं। अरे अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ, करते हुए पूरा सफर काट देंगे। अब अगले सीन में ये बुरी थूत का पिशाच, कसम से कितनी बुरी थूत है इसकी, लड़कियों को पिशाचनी में कन्वर्ट कर देता है। और ये शैतान लड़की के गर्दन पे दांत रगड़ते हो और ये रगड़ता है, रगड़ रहा है, रगड़ रहा है। हाय, ये साथ ही नहीं, ये हाथी के दांत है। सोचो कोई तुम्हारी गुद्दी पे अपने दांतों से खुजली कर रहा है और थोड़ी देर बाद तुम्हारे हाथी वाले दांत निकले। ओ माय फ्रेंड, गणेशा चल रही है। ये एक डरावनी मूवी है, लेकिन इसके अंदर डर से ज्यादा सेक्स भर रखा है। और ऐसा एरा गैरा सेक्स नहीं है, नहीं, ऐसा सेक्स तुमने किसी इंसान या जानवर को करते हुए नहीं देखा होगा। तो इसलिए आओ देखे कैसे दूसरे प्लेनेट के जीव एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ओहो कितनी मेहनत कर डाली, पसीने ही छूट रहे हैं। और लड़की भी ऐसे बैठी हुई है जैसे सही में उसकी इज्जत लूट ली हो। अरे ज्यादा से ज्यादा इस लड़की पे चढ़ के वो घोड़ा गाड़ी खेला है। लकड़ी की काठी, काठी पे अब इससे भी भयंकर और असली सीन है, लेकिन मैं वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यूट्यूब ये कांड करने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस मूवी के अंदर डर के नाम पे हवस बेची गई है। अब एक बात है जो मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ, हाँ ये मैंने मूवी पूरी देखी है। जिस पल ये मूवी स्टार्ट हुई मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, ये खत्म कब होगी। वो चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, लेकिन खत्म नहीं हुई। मम्मी। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 60,000 लाइक्स के लिए, जल्दी कर दो यार। और अगर तुम लोग नए हो ना तो वो जो लाल वाला बटन है उसे दबाओ यार, उसका सर फोड़ दो या उसके साथ तुम लोग गुलाटिया खेलो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब चलो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे हरी चटनी के नशे करने जाना है। बाय। मो मो यार जिसको लगाना है लगाओ यार। एक राज की बात, जल्दबाजी में बच्चे शैतान को जलाए बिना ही चले गए, ये अनर्थ हो गया बहुत बड़ा अनर्थ। चल भोसड़ी के, तू भोसड़ी का, तेरा बाप भोसड़ी का, गाली कैसे दिया।